श्रीनगर का पहला दिन और श्रीनगर का पहला सनसेट, और वो भी दाल लेके किनारे। रास्ता खत्म, और सीढ़िया है तो मत उतार यहाँ से, वापस चले जाए। दीपक कलाल को ढूंढ रहे हम। दीपक कलाल उधर है बोट में। कौन से? उस बोट में। बाइक पे। हाँ वही वाली बाइक, मुझे डिस्कवर पे आया। डिस्कवर पे आए, बहुत कमाल की चीज। तो ऐसा दिख रहा है हमारा एक नया रूम। यहाँ पर 3 लोगों की अच्छी सी कैपेसिटी है, लेकिन पावर प्लग एक ही है यहाँ पर। तो पंखे मिल जाते हैं, जो कि श्रीनगर में मुझे नहीं लगता कोई पंखा करने वाला, क्योंकि ठंडी इतनी है। और देखते ही एप्पल के पेड़ मिल जाते हैं आपको, जिसपे पैरट उड़ते रहते हैं। 2 दिन के लिए आपसे मिलने कोई मेहमान आ रहे तो उसके लिए कुर्सियां भी है। मच्छरों से बचने के लिए हर जगह पे स्टील की जारी भी लगी हुई है। वही गुजराती जुगाड़ी लोग अपने साथ रिबिन लेके घूमते कपड़े सुखाने के लिए। और एक व्यू में दिखा देता हूँ गुरुद्वारा का, जहाँ पे हम ठहरे। ये देखो शानदार गुरुद्वारा एकदम। ये जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर लाइटिंग लगी है। रात को जो चलते हैं ना, ये वॉकवे चलता है ना, यहाँ पे येलो कलर की बहुत शानदार लाइटिंग यहाँ से यहाँ तक अंदर की ओर भी है, दर्शन करने के लिए भी। और उसके पीछे जो लंगर के एरिया, वहाँ पे भी ऐसी लाइटिंग है। एकदम साफ दिन निकला है यहाँ पे श्रीनगर में। अभी जाएंगे बाहर। हम लोग जो लैंडस्लाइड में फंसे थे तो उसकी भागदौड़ के अंदर स्टिक कहाँ पे रहेगी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो मैंने बैकअप में एक दूसरी स्टिक रखी थी, तो वही लेके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपनी पुरानी वाली जो पहली स्टिक थी वो। अरे हाँ, आप लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे, श्रीनगर कैसे आ गए भाई आप। आप तो वहाँ पे लैंडस्लाइड में फंसे थे, तो एक बार आप वीडियोस देख लो तो आपको अंदाजा आ जाएगा कैसे निकले हम लोग। देखो कुछ ऐसा लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, हेलमेट बंद करना पड़ेगा। ऐसी हालत है ऐसी। तीन घंटे के बाद निकले, बड़ी मुश्किल से 3 घंटे के बाद। चलो चलो इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत 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 सारे वेट के बाद ये पूरी की पूरी लाइन 4-5 घंटे की लाइन है। बाइक लगातार चल रही है और इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है, छोटी बाइक के अंदर ना एक सिंगल प्रॉब्लम आता है, वैसे एक नहीं 2 प्रॉब्लम है। एक तो आपके स्पार्कलिंग आपको क्लीन करने रहते हैं, और दूसरा रहता है कि आपकी चेन आपको टाइम टू टाइम थोड़ी अच्छे से मेंटेन करके रखनी पड़ती है, बस वही 2 प्रॉब्लम है। आपको पता है श्रीनगर में हम पहुंच चुके हैं, तो आदिल भाई मिले यहाँ पे बजाज के ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर।
जिन्होंने बोला कि देखो मेरी आरसी पे ना ब्लिंक नहीं हो रहा था, यहाँ पे नोटिस में कुछ ब्लिंक नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आदिल भाई ने हेल्प करके यहाँ पे चेन का मेरा सर्विसिंग काम करवा दिया, तो थैंक यू आदिल भाई। वेलकम, आपका कश्मीर पे है, फर्स्ट टाइम आई सी दिस बाइक, डिस्कवर 100 एंड 100 टी पहली बार आया, सो आई एम गोना शॉक इट कि मैंने जब भी बाइक देखी मैं कहता यार आप इतने दूर से यहाँ पर आ गए, कमाल है यार सच में। बोला आदिल भाई भी शॉक हो गए कि डिस्कवर लेके बंदे गुजरात अहमदाबाद से यहाँ तक आ गए। आदिल भाई चलो आपने ये काम हमारा बहुत शॉर्ट आउट कर दिया, अभी चलते हैं आगे क्योंकि चेन हो गया हमारा परफेक्ट और आगे चलाएंगे बाइक मस्त एकदम। बजाज का जो शोरूम है उससे थोड़ा ही आगे एक क्रॉस रोड क्रॉस करने पर दाल लेक लगता है। अब दाल लेक इज द ओनली अट्रैक्शन ऑफ श्रीनगर। दीपक कलाल को ढूंढ रहे हम। दीपक कलाल उधर है बोट में। कौन से? उधर उस बोट में। पक्का? हाँ वही है ना, वो वही रहता उस बोट में। होती नहीं क्या क्यों ना सर? दीपक भी हमारा क्या नाम भाई? पापीडी। क्या? पापीडी में रहता वो। पापीडी श्रीनगर का फेमस दाल लेक। देखो बच्चे नहा रहे उसमें कूद कूद के नहा रहे ये लोग। ये दाल लेक के सराउंडिंग में बना है, इस जगह आपको बोट वो वाली मिल जाएगी और 50 रुपये आने का, 50 रुपये जाने का, 100 रुपये में आने जाने का, कहीं पे भी वो सेट करते हैं ये पूरा। अब देखो ये कहाँ से हम लोग बाइक निकाले वो देखो आप, ये स्टेप्स बने हैं और अब नहीं जा पाएंगे भाई। देखो यहाँ पे रास्ता खत्म और सीढ़िया है तो मत उतार यहाँ से, वापस चले जाए, रास्ता नहीं है। अच्छा देखो, अच्छा हुआ भाई, थैंक यू। श्रीनगर में आप फिशिंग भी एंजॉय कर सकते हो, ये कुछ नई चीज़ है, मैं तो पहली बार ही देख रहा था। मैंने सबको देखा शिकारा में घूमते हुए, रोड पे फोटो क्लिक कराते हुए, फिशिंग का तो मुझे पता ही नहीं था। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती है, 4 किलो, 3 किलो, 4.5 किलो। तुमको यूट्यूब पे आना है? हाँ। अच्छा क्या नाम? जावेद। योर नेम इज जावेद? हाँ। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम जावेद? कहाँ से हो आप? पहलू ब्रेन। क्या बात, ये शिकारा बोलते इस बोट को? क्या बात है, सफर करते हो? Yes. बहुत बार किया होगा ना? Yes. क्या बात है, चलो हो गया तुम आ जाओगे। नाम क्या है इसको वीडियो? नाम रुपेश चावड़ा ब्लॉग करके नाम है मेरा, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। क्या बात है, क्या बात, जाओ ये ले पांच लगा फेसबुक, रुपेश चावड़ा ब्लॉग सब्सक्राइब करो इसको, जो नहीं सब्सक्राइब करो वो करे सब्सक्राइब। क्या बात, थैंक यू जावेद, चलो ये ले, ये हमारा स्टीकर है, लोगों को बताना मैं आज इससे मिला, ये रुपेश चावड़ा सर्च करोगे ना आ जाएगा। हाँ। मैं इससे मिला, बताना लोगों को मेरा नाम यूट्यूब पे आया, ठीक है? सब्सक्राइब करो। हाँ जी, जब हम वो फिशिंग वाले भाई से मिले तब हमें पता था कि हमारा डेटा नहीं चलेगा, हमारे पास 2 GB की फाइल थी और अपलोड करना था, कोई जगह नहीं थी, पता नहीं था। फिर हमसे पूछा कि कैसे कर सकते हैं अपलोड, तो उन्होंने जगह का एड्रेस बताया। वैसे ये लोग BSNL और एयरटेल जो ऑप्टिक फाइबर है उनके मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, और मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मेरी फाइल अपलोड हो गई और उन्होंने मुझे ऑफर किए ये कुछ अलग सी चाहिए, नमकीन चाय बोलते हैं ये, जब नींद से उठते हैं तो यही पीते हैं, और इसके साथ हमारा ये स्पेशल जो हमारा ये नान बनता है सवेरे सवेरे, 2 टाइप का रोटी बनता है सवेरे सवेरे, एक तो उसको लवासा बोलते हैं कश्मीरी में, बड़ा होता है सफ़ेद सा और छोटा सा उसको रोटी बोलते हैं, दूसरा होता है उसको चचूरू बोलते हैं। चचोरू? हाँ चचोरू, ये सुबह जब हम हमारा ब्रेकफास्ट ही रहता है। तो इस चाय के अंदर मतलब दूध ही दिख रहा है मुझे सिर्फ, इसमें कोई पत्ती नहीं डालते हो? दूध है और इसमें पत्ती है, स्पेशल पत्ती है जो दार्जिलिंग से ही आती है, वो पत्ती आसाम से ही आती है। मतलब ये कुछ अलग चीज हो गई, मैंने यहाँ पे आके ये एक्सपीरियंस किया। और फरजान भाई से मिले हम वहाँ पे ऑफिस में, हम फरजान भाई से मिले, आवाज़ थोड़ा बैठ गया क्योंकि वो नमक वाली चाय पी ना, मुझे लगता है उसका कुछ इफेक्ट लग रहा है। तो फरजान भाई से मिले हम, ये कश्मीरी हो आप? कश्मीरी हो। अच्छा कश्मीरी लोग भी आ रहे हैं आजकल हमारे वीडियोस के अंदर, तो फरजान भाई हमें गेस्ट हाउस दिखाने लेके जा रहे हैं जो कि स्पेशल श्रीनगर स्टाइल गेस्ट हाउस है इनका, देखते चलो। यहाँ के टिकटॉकर्स इतना फेमस क्यों हो रहे उसका राज पता है? ये सनलाइट है, हमारे वहाँ पे ऐसी सनलाइट आती नहीं, हमारे वहाँ पे आते हैं कड़ी वाली धूप, जो ग्लूकोन डी में दिखाते हैं ना जो सूरज दादा से चमकते हैं वैसी धूप आती है। यहाँ पे देखो हल्की हल्की प्यारी प्यारी छोटी छोटी धूप आती है, कितने अच्छे वीडियोस बन रहे ना। प्रॉपर्टी में आ चुके हम लोग और आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ मैं, मुझे लगता है 2 लोगों को तो बहुत मेगा कम्फर्ट है और 3 लोग तो आराम से आ जाएंगे। टॉयलेट बाथरूम भी ठीक है अच्छे खासे, और स्टोरेज कैपेसिटी भी मिल जाती है, आईना मिल जाता है। 15 रूम का प्रॉपर्टी है बड़ा सा, अगर आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं इनका लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि ये जगह है आपको कॉन्टेक्ट करना है, तो डील भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, शिकारा राइड भी आ जाएगी, हाउस बोट भी आ जाएगा, फिशिंग भी आ जाएगी, सबका सब कार्यक्रम ये कर देंगे, ठीक है? तो जो कोई भी इंटरेस्ट है भाई, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन मत करो, हम सब मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपका बारकोड स्टिकर है। ऐसे नज़ारों के साथ ऐसा ट्रैफिक भी होता है,
पीछे की तरफ बहुत लंबा छोटा ट्रैफिक है उस इलाके में जहाँ पे लोग आपको कुछ ना कुछ बेचने का ट्राई करेंगे। हमारे वहाँ पे आओ, हमारे पास होटल है, हमारे पास ये है, वो है, फलाना ढिकाना। ये जो पूरा रूट दिख रहा है ना, यहाँ पे शिकारा बोट वाले सारे लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे बैठ के आप अच्छी फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। उसमें जाके उसको शिकारा बोलते हैं एक्चुअली, वो उस बोट को। हम लोग कल या परसों बैठेंगे आराम से, अभी कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बोट है, कितनी रहेगी? मतलब 50 बोट बस, हर एक घाट में 50 ही रखते है। किसी घाट पे कम है, किसी पे ज्यादा है, कम है किसी को ज्यादा है। तो मिलाकर इधर श्रीनगर में इसमें डल लेक में कम से कम 12,000 बोट है। 12,000 बोट, हाँ। इधर भी है, निगिन लेक भी है, डाल लेक पे घूम रहे थे हम लोग। और आगे जाके एक स्टेशन लगा जहाँ पे ऐसा खड़े रहने का बालकनी जैसा था, और वहाँ पे बाइक रखा हमने। और यहाँ पे देखा तो ये लोग जंप लगा रहे थे इस लेक के अंदर। तो क्या इधर तो कूदने वाला है? शायद मैं वो फोटो, हाँ वही जो डिस्कवर है ना, उसी पे आए। हाँ उसी पे आए, बाइक पे। हाँ वही वाली बाइक, मुझे डिस्कवर पे आया। डिस्कवर पे आए, बहुत कमाल की चीज। मैं तो एनफील्ड पे लद्दाख गया, 15 दिन रहा। अच्छा ऐसा नहीं, अरे कुदा आ जा भाई, तू आ जा, तू आ जा। पूरा मिरर बन रहा है ना यहाँ पे, जब सर्दियों में आएंगे वापस तब और भी बेहतर लगेगा। मतलब देखो वहाँ पे सनसेट हो चुका है, इस सारी शिकारा बोट्स, और सामने की ओर देखो एक ताज होटल है, वहाँ पे एक परी महल है। हम लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं, और वहाँ पे आगे की ओर एक हमने किला देखा था, वो अकबर का किला है, वो भी विजिट करने का ट्राई करेंगे। क्या कहना है तुम्हारे इस नज़ारे पर? बहुत अच्छा नज़ारा है, और इधर ही खड़े रहने का मन कर रहा है, इधर ही खड़े रहे, बैठे रहे शांति। ठीक है, तथास्तु। धूप चली गई, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ों पे रोशनी जो दिख रही है वो भी है। श्रीनगर का पहला दिन और श्रीनगर का पहला सनसेट, और वो भी दाल लेक के किनारे आराम से बैठ के। क्या नजारा है, क्या नजारा है, एक बार आप भी देखिए। आलू से मछली पकड़ रहे यहाँ पे सनसेट के सामने, दाल लेक के पास, तपसीलियों के पास। देखो लोग फोटो खिंचाने आते हैं यहाँ पे, शिकारा बोट्स द सिग्नेचर ऑफ दाल लेक। और पीछे की तरफ ये रास्ता बहुत ही बढ़िया वाला रास्ता, बाइक खड़ी हमारी वहाँ पे। ये देखो एकदम श्रीनगर का मरीन ड्राइव बोल सकते हो आप। क्या नज़ारे, क्या नज़ारे, क्या नज़ारे। ये देखो राणा, देखो बच्चे को फोटो क्लिक करने में हेल्प कर रहा है यहाँ पे। अरे किधर जाना है, इधर आओ। डाल लेक के किनारे एकदम से बैठ के हम वो सनसेट देख रहे थे, और बहुत टाइम तक सनसेट देखा, सन एकदम से सेट हो चुका, और बस दिन भी हमारा सेट हो चुका। आराम से आज एक्लिमेटाइज वाला दिन था, आराम से आए, घूमना है, लेकिन घूमे के 2-3 दिन है हमारे पास, तो क्यों ना आराम से घूमे, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से घूम रहे। इतना बढ़िया नजारा वहाँ पे, जो ये लाइटिंग दिख रही है ना आपको, ये पूरी लाइटिंग वहाँ पे शॉप लगी हुई खाने पीने की, उसकी लाइटिंग है। आज के दिन हम बस नोटिस करना था कि क्या क्या घूम सकते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। आज के दिन में बस वही पता लगाना था कि कौन सी जगह अच्छी तरीके से घूम पाएंगे। कल जाएंगे, अच्छे से घूमेंगे, और बताएंगे आपको भी एक अलग श्रीनगर का हमारा एक्सपीरियंस। दोस्तों हमें शेयर करो, रुपेश चावड़ा ब्लॉग्स,
ऑन 100cc डिस्कवर लद्दाख की ट्रिप पे है, श्रीनगर पहुंचे हैं और आराम से हर एक जगह एक्सप्लोर करते करते जा रहे हैं। आखिर मैं दिखा देता हूँ, देखो ये सनसेट हो चुका था, क्या बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, देखो तो चांद दिख रहा है, सितारा दिख रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा 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 आ गया।